गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम राशिद अली है और स्मार्ट टेक चैनल पे आपका स्वागत है। और मैं आज हार्वी बेंज की जो मॉडल्स लेकर आया हूँ 3123R है, ये एक न्यू मॉडल में जो हार्वी बेंज ने लॉन्च किया है अभी, उसका फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस की गई है। सेकेंड चीज़ है, इस मॉडल में और इस मॉडल में काफ़ी चेंजेस है, आप देख सकते हैं सामने से भी, इसका कलर भी चेंजेस है, इसका डिज़ाइन भी चेंजेस है और इसका जो बम्पर है वो चेंजेस है। इस गाड़ी के अंदर जो यूज़ किया गया है वो फ्रंट फोक लैम्प यूज़ किया गया है इसके अंदर, दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि जो नीचे का फ्रेम है वो फ्रंट फोक लैम्प यूज़ किया गया है, इसके अंदर फ्रंट फोक लैम्प यूज़ नहीं किया गया है। ये मॉडल अभी ही हाल ही में आया था, जो कि मैं आज थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। इसका देखने में कलर भी, डिज़ाइन भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है और केबिन भी काफ़ी थोड़ा सा डिज़ाइन ये चेंजेस किया गया है, ये थोड़ा चेंज है इसके अंदर। और इसमें आप देखेंगे तो पहले जैसा सेम है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इस गाड़ी के और इस गाड़ी के दोनों का एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से इसका इंटीरियर है और चेसिस कैसा है इसका, वो थिकनेस वगैरह मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, करके बताऊँगा। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी की केबिन की, तो ये केबिन जो है वो एयरोडायनेमिक और स्लीपर केबिन है। इसका जो केबिन टिल्टिंग जो डिग्री है 67 डिग्री केबिन टिल्टिंग डिग्री है इसका। और इसके अंदर अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो टोटल इसकी हाइट है 2990 और 2240 और 2500 जो वीथ है इसका, 2490 वीथ है इसका और हाइट है 2900 समथिंग है और 2200 इसका लेंथ है जो केबिन का जो डिज़ाइन है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर हमें कोई इंजन ऑयल वगैरह अगर हमें चेक करना है तो वो कहाँ से चेक कर सकते हैं, आप ये फ्रेम पिन से भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से ये लोग ओपन कीजिए और ये देखिए ये लोग ओपन हो रहे हैं और आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लॉक कीजिए। ये गाड़ी पूरी की पूरी गाड़ी जो है ऐसी गाड़ी है और इसका जो ये वाइपर का जो विंडशील्ड जो वाटर होता है वो इसमें स्टोरेज किया जाता है। ये वाइपर मोटर है, ये क्लच का फ्यूल, इसके अंदर क्लच का जो ऑयल होता है वो इसके अंदर डाला जाता है और इसका जो इंजन ऑयल चेक करने के लिए यहाँ पर ये गैस दिया है। इंजन ऑयल आप चेक कर सकते हैं, इंजन ऑयल का कितना लेवल होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैक्सिमम लेवल तक इंजन ऑयल होना चाहिए, आप यहां से इजीली आप इसको यहां से चेक कर सकते हैं सारा का सारा कुछ और वाटर भी चेक कर सकते हैं, पानी भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि आप यहां से आप देख सकते हैं इसमें एक एरो का इंडिकेशन दिया है। यहां पे एक सेंसर भी लगाया है, अगर आपको पानी ख़त्म हो जाए, कूलेंट वगैरह ख़त्म हो जाए तो आप अंदर एक इंडिकेशन शो करेगा जो आपको मैं अभी इंस्ट्रूमेंट कस्टम में दिखाऊँगा। अब इसको इजीली हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं, जो कि ये स्पेसिफिकेशन अब मैं केबिन के अंदर का आपको दिखाता हूँ बताऊँगा, तो आप केबिन के अंदर देखिए, ये केबिन के अंदर का जो इंटीरियर है ये फुल्ली ब्लैक में दिया है, सारा जो पैकिंग वगैरह है, सारा जो कवर वगैरह है सारे जो ब्लैक के अंदर ब्लैक में दिए हैं। और केबिन के आप जो है अंदर का मैं आपको सीट दिखाता हूँ, सीटों का जो डिज़ाइन है वो भी चेंजेस किया गया, काफ़ी कंफर्टेबल सीटें इसमें यूज़ की गई हैं, पहले से काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया है इस मॉडल के अंदर। ये कंडक्टर सीट है और ये फ्लोटिंग हो जाती है, इसका एक पुश बटन दिया है, इसको आप पुश करोगे उस पर डाउन हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। ये स्लीपर केबिन है, इसमें कवर भी चेंज किया गया है, ये स्लीपर दिया है और ये ड्राइवर सीट थोड़ी काफ़ी चेंजेस किए गए, बहुत और भी ज़्यादा कम्फर्टेबल बनाया है इसको भारत बेंज ने। और ये इंटीरियर है पूरा ब्लैक कलर में, इसको इंटीरियर को यूज़ किया गया है ट्रिमों को। और ये आप देख रहे हैं एलईडी जो देख रहे हैं वो रिवर्स कैमरा इसमें दिया गया है, ये एसी के स्विचेस इसके अंदर दिए गए हैं जो ब्लोअर का पहले से और अब काफ़ी ज़्यादा स्मूथली स्विचेस वगैरह दिए हैं, पहले थोड़े हार्ड चलते थे अब काफ़ी कंफर्टेबल स्विच इजीली स्विच कर दिए गए हैं। ये इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच है, ये हजार्ड स्विच है, ये एसी का स्विच इसके अंदर दिया गया है। आप ये देख रहे हैं कि जो इंटीरियर है ट्रिम है, एसी का जो ट्रिम है वो फुल ऐसा
वुडन टाइप में कंपनी ने जो डिज़ाइन किया है इसको, पहले पार्किंग ब्रेक का जो वो था वो इस साइड में आता था पार्किंग ब्रेक, अब जो आ रहा है अब यहाँ इस साइड में देने लगे पार्किंग ब्रेक। पहले से थोड़ा प्रॉब्लम था कि ड्राइवर का हाथ वगैरह लगने से हैंड ब्रेक का प्रॉब्लम हो जाता था, लेकिन अब जो भारत बेंज ने वो पार्किंग ब्रेक यहाँ पर यूज़ किया गया है। अभी हम आपको इसके जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका ट्रिम भी वुडन टाइप में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का ट्रिम दिया है भारत बेंज ने। और अभी अब हम सबसे जो ख़ास चीज़ इसके अंदर बताऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो एक ये चीज़ है कि आपको मैं ये दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने का भी दिया है, इसमें म्यूजिक सिस्टम भी दिया है। पहले की गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम नहीं आता था, अब की गाड़ियों में जो म्यूजिक सिस्टम ही डेमलर ने म्यूजिक सिस्टम भी लगा के दिया है। और ये भी स्पेस वगैरह ये भी चेंजेस किया गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने का जो ट्री में जो डिज़ाइन है वो भी चेंजेस किया गया है इसके अंदर। अभी हम उसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में दिखाता हूँ मैं कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर, जो भारत बेंज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और भी क्या चीज़ ऐड की है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप ये देख लीजिए जो इसका एवरेज है वो 8.2 एवरेज इस गाड़ी का खाली चेजी पर आया है। ये गाड़ी BS4 है, इसका एड ब्लू का इंडिकेशन ये आ रहा है। मेरी पिछली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा कुछ मैं स्विचेस के बारे में और एक्सप्लेन करूँगा। ये 3123 मॉडल है, इसका लिफ्ट एक्सल का स्विच ये होता है। अगर गाड़ी को आप 25 टन गाड़ी के अंदर लोड होने के बाद ऑटोमेटिकली लिफ्ट एक्सल नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके आने के बाद आप चाहते हैं कि आपके लिफ्ट एक्सल में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कुछ भी हो गई, आप उसको उठाना चाहते हैं, तो आप इस स्विच को नीचे की ओर करेंगे, इसमें एक लाइट शो करेगा और इस तरीके से एक इंडिकेशन इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और लिफ्ट एक्सल ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस गाड़ी के अंदर एक कार जैसा फ्यूचर्स भी दिया है, वो फ्यूचर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया है कि एग्जॉस्ट ब्रेक कैसे काम करते हैं, कब कब काम करता है, वो सारा मेरा प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेगा। और मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूँगा ये जो नए स्विचेस हैं ये क्रूज स्विचेस हैं, जो क्रूज स्विचेस दिए हैं वो कैसे यूज़ होते हैं मैं इसका फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा। जब भी आप गाड़ी को 55 की स्पीड में आप पहुँचाएँगे उसके बाद उसको आप ऑटोमेटिकली 1-2 करके और ये स्पीड जो है 1-2 करके और वो स्पीड ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कई कंडीशन है लॉक होने की। इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच ऑन नहीं होना चाहिए, इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक का स्विच ऑन नहीं होना चाहिए और ब्रेक का पेडल पे अप्लाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही अगर ये दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी तो ये क्रूज स्विच नहीं ऑपरेट होगा, नहीं एक्टिवेट होगा। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और भी एक्सप्लेन करूंगा। जब ये स्विच एक्टिवेट हो जाएगा आप गाड़ी की जितनी स्पीड आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पे आप प्लस करके 56, 57, 58, 59, 60 जितना भी आप उसको स्पीड यहाँ से बढ़ा सकते हैं, गाड़ी की जितनी स्पीड ऑटो कंपनी ने सेट की है उतनी ही बढ़ सकती है इसकी स्पीड इन स्विचों के द्वारा। और जैसे आप जब गाड़ी को आप लेके चलेंगे और चलने के बाद आप जैसे आपके सामने कोई भी 100 मीटर पे कोई गाड़ी खड़ी हो रही है, रुक रही हैं, आपको रोकने की ज़रूरत है, आप चाहते हैं मेरा क्रूज स्विच नहीं हटे, क्रूज जो एक्टिवेट है वो अनएक्टिवेट नहीं हो, तो आप इस स्विच को ऑन कर देंगे। उस स्विच को ऑन करने के बाद ऑटोमेटिकली जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली गाड़ी का जो इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जब जाम से निकलना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली दो या एक दो सेकंड समथिंग से ज़्यादा ही रहता है, एक दो सेकंड से ज़्यादा ही रहता है अगर इस स्विच को आपने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद ऑटोमेटिकली फिर रेस पकड़ना शुरू हो जाएगा। ये एग्जॉस्ट ब्रेक के साथ अब ब्रेक आपने अप्लाई किया तब ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा एक्सलेटर और धीरे धीरे आप एक्सलेटर जब आप गियर को चेंज कर देंगे ऑटोमेटिकली बिना एक्सलेटर दबाए भी एक्सलेटर लेना शुरू कर देगी गाड़ी। अगर आप चाहते हैं कि क्रूज स्विच को आप एकदम हटाना चाहते हैं तो इस क्रूज अनएक्टिवेट करने के लिए ये वाला स्विच है, इसको दबा दीजिए तो वो स्विच वो क्रूज जो है वो एक्टिवेट वो अनएक्टिवेट हो जाएगा। ये हेडलैम्प का स्विच दिया है, ये हेडलैम्प एडजस्ट करने का स्विच दिया है। आज जब आप गाड़ी को डिपर में रखेंगे तो उसके बाद आप हेडलैम्प स्विच एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो फ्रंट फॉग लैम्प के लिए ये स्विच दिया है, जब आप पार्किंग ऑन करेंगे ऑन करने के बाद इस स्विच को ऑन करेंगे तो फ्रंट फॉग लैम्प आ गया, फ्रंट फॉग लैम्प वो ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। तो ये बार जो मोबाइल चार्जर के लिए ये कनेक्टर यूज़ किया गया है। अभी मैं आपको सारा इसका अंदर का व्यू करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर का व्यू। ये आप अंदर का व्यू देख सकते हैं,
और ये स्टेयरिंग है, पहले जो न्यूमेटिक था मैनुअली स्टेयरिंग कर दिया गया है, अब यहाँ से इसको जो है मैनुअल कर दिया गया है। इसको यहाँ से आप डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे की ओर आना शुरू हो जाएगा। अब मैं गाड़ी के आपके जो बाहर के फीचर्स वगैरह बात करता हूँ, एडब्लू की जो एडब्लू टैंक है उसमें 68 का एडब्लू टैंक है, 51 इसके अंदर लीटर जो एडब्लू फिलअप होता है, जो डीजल टैंक है वो 380 लीटर का डीजल टैंक इसके अंदर यूज़ किया गया है, और एडिशनल टैंक भी आप इसमें लगवा सकते हैं। और मैं अभी आपको लिफ्ट एक्सल दिया है, ये लिफ्ट एक्सल है, इसका जो सस्पेंशन है वो ये लिफ्ट एक्सल सस्पेंशन इसके अंदर यूज़ किया गया है। अभी हम तो बात करते हैं और लिफ्ट एक्सल का जो सिस्टम जो इसके यूज़ किया गया है वो आप देख रहे हैं, तो उससे आप देख सकते हैं व्यू करके। पहले इसमें चेंजेस था, अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन में भी, और इसका जो पावर है वो जो इसका सिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है इसको, काफ़ी पहले से ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और अभी हम जो बात करते हैं इसका जो टायरों की बात करते हैं, इसके जो टायर दिए हैं वो ट्यूबलेस टायर हैं, इनके अंदर ट्यूबलेस टायर भी हों और नाइलॉन टायर भी मिलेंगे आपको, डिपेंड टू कस्टमर किस तरीके के टायर लेना पसंद करता है। गाड़ी का व्यू हम चेक कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर जो ब्रेक हैं वो ABS ब्रेक हैं, गाड़ी का चेसिस देख सकते हैं आप, इसका कैमरा देख सकते हैं। बात कर रहे थे रियर कैमरा, ये इसके अंदर रियर कैमरा इसके अंदर दिया है, जो बाहर से हमें पीछे ड्राइवर को गर्दन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा मिरर में देखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे का हिस्सा जो है वो बिना कंडक्टर के भी देख सकता है, गाड़ी ठीक ठाक की ज़्यादा पोजिशन से है या नहीं है। ये बताऊंगा कि इसके अंदर जो ऑसिलेटिंग लीवर दिया है, ये ऑसिलेटिंग लीवर है, टाटा में आपने देखा होगा बेल क्रैंक सिस्टम यूज़ करते हैं थे, तो उससे क्या होता था कि हर 6 महीने में 4 महीने बुश कटने की प्रॉब्लम होती थी और मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा बढ़ती थी, तो भारत में ये जो ऑसिलेटिंग लीवर दिया है, ये सेमी इलेक्ट्रिक सस्पेंशन इसमें यूज़ किए गए हैं, लगभग तीन साल चार साल या अनलिमिटेड मतलब 3 लाख किलोमीटर तक समथिंग इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और बुश का जो मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा इसके अंदर भारत में दिया है। अगर हम जो बात करें इसका जो बैटरी का, इसके अंदर जो बैटरी यूज़ किए गए हैं वो 120H की बैटरी इसके अंदर यूज़ किए गए, 24 वोल्ट सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया गया है भारत बेंज ने इसके, और इसका जो स्टार्टर मोटर की जो कैपेसिटी है जो 4 किलोवाट की है, और अल्टरनेटर की 85 एम्पियर इसके अंदर अल्टरनेटर जो आउटपुट 85 एम्पियर पास करता है। ये इसमें जो हम बात करें वाटर सेपरेटर कम दिया है, हमारी गाड़ी कभी भी डीजल ख़त्म होने पे ये हम ले जाती है, ले जाने के बाद आपको इंजेक्टर खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा गाड़ी के अंदर डीजल फिलअप कराइए और उसके बाद जो है यहाँ पे पंप कीजिए, पंप करने के बाद आप जो है 30 से 35 सेकेंड के अंदर इंजन स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो ये सबसे बड़ी खासियत ये कि मैकेनिक को बुला के उसका इंजेक्टर खोलना पड़ता था, उसको मैकेनिक को पैसा देना पड़ता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब आप डीजल अपनी गाड़ी में भराइए और भराने के बाद उसको पंप कीजिए, 15-20-30 बार पंप कीजिए, उसके बाद क्रैंकिंग कीजिए, गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी आपकी। अगर हम बात करें इसके गियर बॉक्स की बात करें, तो गियर बॉक्स का जो टॉर्क है वो 850 Nm का टॉर्क है BS4 में, और इनपुट टॉर्क है 850 का टॉर्क है, गियर बॉक्स लिंकेज गियर बॉक्स है, इसका गियर बॉक्स का जो मॉडल है वो J85 मॉडल गियर बॉक्स के अंदर दिया है। ये गियर बॉक्स जो 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 6 स्पीड गियर बॉक्स इसके अंदर यूज़ किया गया है, 1 रिवर्स है इसके अंदर। अगर हम इसकी जो क्लच की बात करें, क्लच पेट की जो थिकनेस की बात करें, वो क्लच पेट की थिकनेस है 10.9, बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी इसमें ये दी है। अगर हम इसके बात करें, इसमें विस्कस फैन, इलेक्ट्रॉनिक विस्कस फैन इसके अंदर यूज़ किया है, इससे बेनिफिट ये होता है कि गाड़ी के अंदर डीजल जाना बंद हो जाता है। सबसे अगर हम बात करें इसके अंदर जो एडब्लू का सिस्टम है वो मैं आपको दिखाऊँगा, इसमें एडब्लू सिस्टम लगाया है, डोजिंग यूनिट ये सिस्टम लगाया गया है, या एग्जॉस्ट ब्रेक का सिलेंडर इसमें जो एग्जॉस्ट ब्रेक का सिलेंडर यूज़ किया गया है इसके अंदर, ये टर्बोचार्जर वेस्ट गेट के साथ टर्बोचार्जर इसमें यूज़ किया गया है, जिसका प्रेशर है 1800 mbar प्रेशर इसके अंदर यूज़ किया गया है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थे इंजन के, और जो मैंने आपको दिखाए और डिज़ाइन भी इसका मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपको सारा दिखा दिया है, ये गाड़ी भी और एक गाड़ी थोड़ी सेम है, लेकिन जो इसमें जो सिस्टम कुछ एडवांस चीज़ें इसके अंदर यूज़ की गई वो इसके अंदर यूज़ नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी जो वीडियो पसंद आएगी, और लाइक प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिए, लाइक करना भी मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, और भी मैं नेक्स्ट टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियो जो है भारत बेंज की गाड़ी की अपलोड करूँगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, थैंक यू वेरी मच।